हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोन ड्रिल बिट ऑटोमेटिक सेंटर पंच, जो कि हम उसकी इनबॉक्सिंग करेंगे और उसका पूरा पूरा कार्य आपको कर दिखाएंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बैग मिलता है पूरे सेट का, जो कि इस प्रकार मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक सेंटर पंच है, जो कि इस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से है ये। यहाँ पर एक इसमें स्प्रिंग होता है और इस तरह से खुल जाता है और इस तरह से यहाँ पर इसको बंद करना होता है। मैं आपको इसका भी प्रयोग कर दिखाऊंगा। पन्नी को रखते हैं साइड में और निकालते हैं अपने बड़े वाला कोन ड्रिल बिट। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं 4 mm से लेकर 32 mm तक ये अपना पूरा कार्य करता है। और निकालते हैं दूसरा बिट अपना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी 4 mm से लेकर 20 mm तक अपना पूरा कार्य करता है। और निकालते हैं तीसरा बिट यहाँ पर। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी अपना 4 mm से लेकर 12 mm तक अपना पूरा कार्य करता है। और बैग को रखते हैं साइड में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक सेंटर पंच के बारे में। ये अपना पूरा कार्य इस प्रकार करता है, अगर आपका जो लोहा होता है या एल्युमिनियम होता है उसमें सेंटर करने के लिए लोड होता है, उस तरह से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये अपना पूरा कार्य करता है। और बात करते हैं अपने कोन ड्रिल बिट की, जो हमारा बिट है 4 mm से लेकर 12 mm तक। दोस्तों, ये अपना काम टावर बोल्ट वगैरह में करता है, जो हमारे डोर फ्रेम होते हैं आयरन के लोहे के, उनमें काम करता है। और बात करते हैं अपने दूसरे कोन बिट की। आप देखें 4 mm से लेकर 20 mm तक ये जो अपना काम करता है, एल ड्रॉप में काम करता है, जहाँ पर अपने डोर फ्रेम में एल ड्रॉप लगाते हैं, वो मैं आपको कर दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये रहा आपका 4 mm से लेकर बड़ा वाला कोन बिट 32 mm तक। मान ली आप बाथरूम वगैरह पल्ले बनाते हो, उसमें रेलवे सीट में या फाइबर में होल करना होता है, तो दोस्तों आप इस तरह से अपना इसमें के प्रकार के होल कर सकते हैं। 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इस तरह से होल करना होता है। दोस्तों, आइए हम अपना कार्य शुरू करते हैं। और वीडियो का आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत काम की आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ सामान वगैरह दिखाता हूँ। उसमें मेरे पास आयरन का चादर का टुकड़ा जो कि हमारे पास है, ये हमारे पास जो टुकड़ा है ये 14 गेज का टुकड़ा है। और बात करते हैं जस्ती चादर की, भी हमारे पास 14 गेज का टुकड़ा है। और बात करते हैं रेलवे सीट की, हमारे पास 5 mm की रेलवे सीट है, जो कि मैं इसमें आपको कार्य कर दिखाऊंगा। दोस्तों, आप कोन ड्रिल बिट से जिसमें होल करेंगे चादर में या डोर फ्रेम में, उसकी मोटाई 1 mm से 5 mm के बीच होनी चाहिए। उसमें आप सभी तरह के साइज होल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने शिकंजे पे चलकर होल शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपना ऑटोमेटिक सेंटर पंच के द्वारा इस पर टक मार दिया है लोहे की चादर पर और जस्ती चादर पर। तो अपना होल करते हैं। मैंने अपनी ड्रिल में कोन ड्रिल बिट बांध लिया है और हम सबसे पहले टावर बोल्ट के लिए होल करेंगे, जो कि मैं आपको उसमें फिटिंग कर दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने कोन ड्रिल की बिट की सहायता से 10 नंबर से मैंने यहाँ तक का होल किया, जो कि हमारा टावर बोल्ट है बिल्कुल 0-0 अपना पूरा कार्य कर रहा है। मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप सामने की साइड से देख सकते हैं, ये सिर्फ जो हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा, जो हमारे डोर फ्रेम होते हैं, जैसे कि आजकल लोहे की चौखट चलती है, विंडो फ्रेम होते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत कारगर चीज़ है, आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। मैं आपको अब एल ड्रॉप का होल कर दिखाऊंगा। दोस्तों, हमने अभी
लोहे की चादर में होल किया, ये बिल्कुल इसमें फेल है। सिर्फ इसने 4 mm से और 10 mm तक होल किया। उसके बाद हमने एयरड्रॉप में होल करना चाहा, मगर ये बिल्कुल पूरी तरह से घुल चुका और धुआं उठ चुका। दोस्तों आप इससे लोहे में होल ना करें। अब मैं आपको रेलवे सीट और लकड़ी में होल कर दिखाऊंगा। हमने कॉर्न बिट से लोहे में होल किए, मगर उसमें पूरी तरह से फेल है। और दोस्तों कहीं हद तक के हमने जैसे लकड़ी में होल किया या रेलवे सीट में होल किया, दोस्तों पीवीसी होल में भी ये कहीं तक के कुछ कामयाब चीज़ है। तो दोस्तों अगर हम इसके हमने इसको ऑनलाइन परचेज किया था, अगर हम ऑटोमेटिक पंच सेंटर की बात करें 300 रुपये का लिया था, और ये 3 बिट हमारे पास हैगी, इनको हमने 850 रुपये का ऑनलाइन खरीदा था। तो दोस्तों चारों चीज़ मिलाकर ये 1100 रुपये की हमको पड़ी थी। तो ये कॉर्न ड्रिल बिट मेरे आईडी से बिल्कुल फेल है। आप चाहे तो लिंक में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमने लोहे में सुराख किया है, और ये हमने रेलवे सीट में होल किया है, और ये हमने वुड में होल किया है। दोस्तों मैंने आपको तीनों सामान में होल कर दिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया।